आज से कुछ 6 साल पहले ब्रा टेनिस और हैंडेचल हमें पहली बार एक साथ प्यार लफ्जों में कहा में देखने को मिले थे और हैमूर की ये जोड़ी सबकी पसंदीदा बन गई थी। फिर पता नहीं क्या गिला शिकवा हुई इन दोनों में कि ये दोनों इस तरह रूठ गए एक दूसरे से कि फिर कभी साथ में देखने का तो दूर बातचीत करते हुए भी नज़र नहीं आए। लेकिन फिर से इन दोनों का रीयूनियन हुआ है, कैसे और कहाँ चले उसके बारे में बात करते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। छह साल की नाराजगी के बाद फाइनली हैंडे बुरा का रीयूनियन हुआ है। डिज्नी प्लस तुर्किया की लॉन्चिंग पार्टी में सभी ब्रांड एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था। जैन यमान, अलना बोस, पिना डेनिस, डेमिट ओस्नी, मेडलेंस, सिक्टेंस अरास और हैंडे एचल बुराक टेनिस भी आए थे। हालांकि बुराक अपनी मोहब्बत दीदम के साथ आए थे लेकिन ये बात कोई मैटर नहीं करती और इसी पार्टी में बीच बीच में हैंडे बुराक एक दूसरे से टकराए। 6 साल बाद फिर से एक साथ इतने करीब नजर आए, इनके बीच कोई फासला नहीं था, जैसे कि ये दोनों अभी एक दूसरे को गले लगा लेंगे, एक दूसरे से बात करते नजर आए और इन दोनों के चेहरे पे खुशी साफ जाहिर हो रही थी। दोनों एक दूसरे को देख पुरसुकून और खुश थे, आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं। इन दोनों को 6 साल बाद इस तरह इतना पास और बात करते देख हम फैंस को कितनी राहत पहुंची है वो मैं तो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप कमेंट में बताइए आपका क्या रिएक्शन है इसके लिए। फाइनली 6 साल की दूरियां खत्म होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इन दोनों की मुलाकात हम फैंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये हमारा फैन फेवरेट कपल है। और ये सब पॉसिबल हुआ है डिज्नी प्लस तुर्किया की इवेंट की वजह से और अब होप कर सकते हैं कि जल्द ही हैंडे बुराक डिज्नी प्लस तुर्किया की किसी सीरीज या मूवी में भी साथ नजर आए और हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दे। और डिज्नी ऐसी कंपनी है जिसे मुनाफा कमाना पसंद है तो वो इन दोनों को लेकर कोई प्लानिंग कर सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सभी एक्टर एक्ट्रेस के पास डिज्नी प्लस के लिए उनके प्रोजेक्ट कंफर्म है सिवे हैंडे और बुराक के, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इन दोनों की फिर से ऑन स्क्रीन एक साथ देखने की। हालांकि मैं अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ लेकिन इनका 6 साल के बाद रियूनियन होना हमारे लिए अच्छी खबर है। और आप सभी भी कमेंट में बताए कि क्या आप फिर से हैंडे बुराक को एक साथ रोमांस करते देखना चाहते भी है या नहीं कमेंट कीजिए। और आज के वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने बाइक चैनल एडिवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा, शाबाश खैर।